सो हेलो गाइस, वेलकम टू द क्रिकेट सुपर फैंस। दोस्तों, आईपीएल 2019 के प्लेऑफ से पहले एक बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जो कि खास तौर पर ये चेन्नई सुपर किंग्स के खेमे से निकलकर आ रही है, जो कि चेन्नई सुपर किंग्स को लगा एक तगड़ा झटका, जहां उनके जबरदस्त खिलाड़ी, सबसे इंपॉर्टेंट में से एक खिलाड़ी बाहर हो गए हैं आईपीएल 2019 के प्लेऑफ से, यानी कि अब यहां से एक भी मैच नहीं खेल पाएंगे चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से। तो गाइस, क्या है पूरा माजरा, कौन सा बड़ा खिलाड़ी हुआ है बाहर आईपीएल 2019 के बाकी बचे हुए मैच से, आखिर इनकी जगह पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में कौन सा खिलाड़ी खेलेगा, शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी वीडियो देखते रहे, पूरी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी आईपीएल 2019 के तगड़े वाले फैन है तो कर दीजिए सबसे पहले इस वीडियो को लाइक। वहीं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को स्पॉन्सर क्या है, बेट एंड बॉल ऐप ने, जो कि इंडिया का फर्स्ट प्रायोरिटी स्पोर्ट्स ऐप है। इसमें आपको 1 से लेकर 11 तक खिलाड़ी लगाने होते हैं, उनके प्रायोरिटी के हिसाब से इसमें कोई भी क्रेडिट प्रॉब्लम नहीं होती है। आप इसमें मनचाहे खिलाड़ी को टीम बनाकर खेल सकते हैं किसी भी ऑर्डर में सेट करके। इस ऐप में ग्रैंड लीग में अनलिमिटेड टीम भी लगा सकते हैं, फ्री लीग और पेड लीग दोनों अवेलेबल है इस ऐप में। तो अभी इस ऐप को डाउनलोड करिए, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, डाउनलोड करते ही आपको ऑलरेडी 100 रुपये बोनस में मिल जाएंगे। दोस्तों, अगर हम बात करें तो इस टाइम पर आईपीएल 2019 खेला जा रहा है, जो कि आईपीएल 2019 के प्लेऑफ में 4 टीमों ने अपनी जगह पक्के कर ली है, यानी कि 4 टीमों ने क्वालिफाई कर लिया है, जो कि नंबर 1 पर है मुंबई इंडियंस, नंबर 2 पर है चेन्नई सुपर किंग्स, नंबर 3 पर है दिल्ली कैपिटल्स, तो इसके बाद चौथी टीम है सनराइजर्स हैदराबाद की टीम, जो कि ये 4 टीमों ने क्वालिफाई कर लिया है और इन्हीं के बीच में होने वाला है आईपीएल 2019 के प्लेऑफ में मुकाबला, जो कि दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस मुंबई इंडियंस के बीच क्वालिफायर 1 का मुकाबला खेला जाएगा। यहां पर जो टीम जीतेगी वो पहुंचेगी डायरेक्ट फाइनल में और जो टीम हारेगी उसे एक चांस और मिलेगा तीसरी और चौथी टीम के खिलाफ फाइनल में अपनी जगह पक्की करने के लिए। लेकिन प्लेऑफ से पहले चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को लगा है तगड़ा झटका, जहां उनके जबरदस्त ऑलराउंडर केदार जाधव हो गए हैं इंजर्ड। दोस्तों, ये आईपीएल 2019 के प्लेऑफ से बाहर हो गए हैं इंजरी की वजह से। दरअसल दोस्तों, ये पंजाब के खिलाफ फील्डिंग करते वक्त इंजर्ड हो गए थे, इनके कंधे में चोट लग गई थी, जिसके चलते ये फील्डिंग भी करने नहीं आए थे उसके बाद, और अब ये प्लेऑफ से भी बाहर हो गए हैं। जहां चेन्नई सुपर किंग्स के कोच स्टेफन फ्लेमिंग का कहना है कि केदार जाधव की इंजरी काफी गंभीर है और इनका आईपीएल 2019 के प्लेऑफ में अब ना खेलना लगभग ना के बराबर है, यानी कि अब आईपीएल 2019 के प्लेऑफ में इनके खेलने के चांसेस 0% दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अभी तक इनके चोट की जो एक्सरे की जाएगी उसकी रिपोर्ट अभी नहीं आई है, रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि केदार जाधव को कितनी चोट लगी है। तो वहीं आपको बता दें कि बीसीसीआई की ओर से बेहद सख्त निर्देश जारी किया गया था कि वर्ल्ड कप 2019 के स्क्वाड में जितने भी खिलाड़ी शामिल हैं भारतीय टीम में, उनके ऊपर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहिए आईपीएल 2019 के हर एक टीम को। ऐसे में अगर ये 100% फिट हुए तभी खेलेंगे, वैसे लगभग नामुमकिन है कि ये फिट हो पाएंगे उनकी इंजरी को देखते हुए। लेकिन अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर केदार जाधव नहीं खेलेंगे, जो कि मिडिल ऑर्डर में काफी जबरदस्त बल्लेबाजी करते हैं, तो वहीं काम आने पर अच्छी खासी गेंदबाजी भी कर लेते हैं, तो इनकी जगह पर कौन सा खिलाड़ी खेलेगा प्लेऑफ में। तो यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स के पास एक जबरदस्त बैकअप के तौर पर टीम में मौजूद है ध्रुव शौरी, जो कि ये मिडिल ऑर्डर की बल्लेबाजी काफी अच्छी करते हैं। तो चलिए आपको बता देते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 के बारे में कि वो कौन से 11 खिलाड़ी खेलेंगे मुंबई इंडियंस के खिलाफ क्वालीफायर 1 के मैच में। तो कुछ इस तरह से हो सकती है चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11, जो कि सलामी जोड़ी के तौर पर नंबर 1 पर शेन वाटसन, नंबर 2 पर फाफ डुप्लेसिस, नंबर 3 पर सुरेश रैना, तो इसके बाद नंबर 4 पर अंबाती रायडू, जबकि नंबर 5 पर महेंद्र सिंह धोनी, वहीं उसके बाद नंबर 6 पर केदार जाधव। अगर हम बात करें नंबर 7 की तो नंबर 7 पर डीजे ब्रावो, जबकि नंबर 8 पर रविंद्र जडेजा, वहीं इसके बाद नंबर 9 पर होंगे हरभजन सिंह बेहतरीन स्पिनर, जबकि नंबर 10 पर होंगे दीपक चहर, तो वहीं इसके बाद नंबर 11 पर होंगे इमरान ताहिर। दोस्तों, ये चेन्नई सुपर किंग्स की संभावित प्लेइंग 11 मुंबई इंडियंस के खिलाफ।